हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। देखो यार, अभी चर्चाओं में अगर जो आप समाचार देखते हो, कोई भी दैनिक भास्कर, ठीक है, दैनिक भास्कर, हिंदुस्तान, ठीक है, आप कोई भी न्यूज़ चैनल देखते होंगे, या आप व्योन देखते होंगे, रिपब्लिक टीवी, टाइम्स ऑफ इंडिया, आपको एक खबर जो है कि पूरे जो है कि मीडिया हाउस में वो टॉप पे है, और पॉलिटिक्स भी इसकी पूरी गरमाई हुई है, ठीक है। तो कोई क्या है, अब वोटर आईडी को जो ना इसे लिंक किया जा रहा है, ठीक है, इसको तो पता ही यार कि आधार कार्ड उदय बनाता है, वोटर आईडी इसको बनाता है। तो कोई इसलिए किस लिए किया जा रहा है, देखो इंडिया में क्या हालत है ना, कि एक बंदा जो है, ठीक है, एक स्टेट का है, मान लो उसको ए स्टेट मान ले, तो वो बी स्टेट में चला गया, ठीक है, फिर वो सी में चला गया, ऑब्वियसली यार जॉब्स के लिए, एजुकेशन के लिए चला जाता है, ठीक है। तो इधर भी उसका रजिस्टर है, इधर भी उसका रजिस्टर हो गया, इधर भी उसका रजिस्टर हो गया, क्या हो गया, वोटर आईडी जो कि यहाँ यहाँ रजिस्टर हो गया। अब बताओ, इस स्टेट में भी दे रहा है, इस स्टेट में भी दे रहा है, इस स्टेट में भी दे रहा है। उसी तरह आधार भी है, क्या है, एक बंदा जो कि क्या है, बिहार का है, ठीक है, वो महाराष्ट्र वर्क करने के लिए जाता है मुंबई, वो क्या करता है, आधार उधर का ही बना लेता है, आधार इधर का ही बना लेता है। यार ऐसे आधार तो बनता है एक ही बार है, पर पता नहीं डेट वेट क्या चेंज किया, ठीक है। तो यार देखो, तो सिचुएशन यही है कि क्या है ना, कि एक बंदा जो है कि मल्टी वोटर है, ठीक है, समझ गए, इस कारण से। और दूसरी बात ये देखो, एक नया रूल क्या है कि 1 जनवरी के पहले ही, पहले क्या होता था, वोटर जो है ना आप बनवा सकते हैं, आप 19 साल के हैं तो, ठीक है। अब मान लो आप 1 जनवरी कोई बनता है, मान लो कोई बनता है कि 1 मार्च को जो कि 19 साल पूर गया, अब वो रजिस्टर नहीं कर सकता, आप उसको 1 जनवरी का वेट करना होगा, ठीक है, तभी जाकर उसका रजिस्टर होगा। तो ये सब चीज़ें जो है ना, अप्रैल वगैरह अगस्त को भी ये सब ऐड कर दी गई है, ठीक है, समझ गए ना। और दूसरी बात ये है कि देखो, बहुत सारा क्या है कि एक मान लेते एक बंदा है, ठीक है, वो कहाँ का, न्यू दिल्ली का है, एजुकेशन के लिए कहाँ चला गया, वो मुंबई चला गया, ओके, और उसके बाद कहाँ चला गया, कर्नाटका में जा कर के बैंगलोर के शहर में सेटल हो गया, बैंगलोर। तो अब क्या हुआ यार, ये देखो, ये बंदा इधर तो वोट दे नहीं पा रहा, न्यू दिल्ली में, मुंबई में भी नहीं दे पा रहा, क्यों, मुंबई से तो बाहर ही हो गया, अब कर्नाटका में गया तो उधर भी नहीं दे पा रहा। तो इस तरह इसको क्या बोलते हैं, डिसफ्रेंचाइज, मतलब वो बंदा कहीं पे भी वोट नहीं दे पा रहा, ठीक है। तो इस वाला जो पास जो हुआ ना, उससे क्या होगा कि कोई बंदा जो है ना, कि ईजिली अपना स्टेट स्विच कर सकता है, ठीक है, आप जहाँ पे सेटल होते हैं वहाँ पे आपको मिल जाएगी वोटर के वोटर आईडी, ठीक है, इसे लिंक होना बड़ा ही ज़रूरत है, राइट। और आपको एक चीज़ तो बता दिया यार, क्या 1 जनवरी वाला जो पहले का रूल जो था वो 18 साल वो वाला, ठीक है, तो वेट नहीं करना पड़ेगा, अब डायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और इसमें देखो यार, इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है यार, कि बहुत सारे जो कि आपको पता ही यार क्या हो रहा है, फॉरेन, अब इंडिया का जो नेवर कंट्रीज है, वहाँ से भी इलीगल माइग्रेंट्स बहुत सारे हैं, ठीक है, तो इलीगल माइग्रेंट्स को भी जो है कि क्या इससे जो कि पता लग पाएगा, ठीक है। और क्या पॉइंट हो सकती है, देखो ये सब चीज़ें पास की गई है यार लोकसभा से, तो यार आप लोग देख लेना एक बार, ठीक है। देखो एक चीज़ और इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मैं बताता हूँ, देखो एक क्या हुआ था, केस हुआ था आंध्रा और तेलंगाना, ठीक है, दोनों को तो पता ही यार, दोनों एक ही स्टेट था, बाद में बायफ्रिकेट की गई थी, ठीक है, बंटवारा हो गया था, बंटवारा हो गया था, ठीक है। तो क्या हुआ था, आंध्रा और तेलंगाना जो एक साथ था, ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्शन जो हुआ था ना, उसमें क्या हुआ था कि अचानक जो कि 20 लाख 25 लाख लोगों की क्या हुई कि ना, कि वोटर आईडी गायब हो गई, मतलब वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं रहा, ठीक है, वोटर लिस्ट से नाम गायब हो गया। तो वो तो चलो यार सॉफ्टवेयर फॉल्ट के वजह से हुआ था, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा था, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये भी थी कि मतलब
जैसे कि दोनों तो तेलुगु ही कल्चर है दोनों का, तो शादियाँ तो यहाँ से वहाँ होती रहती है, तो उस कारण से बहुत सारे लोगों का डिसफ्रेंचाइज हो गई थी, ठीक है, मतलब रजिस्टर ही नहीं कर पाए थे, न्यू वाला रजिस्टर ही नहीं कर पाए थे, ठीक है।